नमस्कार, इस वक्त मैं सीवान के किशन कटरा मार्केट में हूँ। देख सकते हैं आप, पूरी ये अंदर साइड में मार्केट है, सामने थाना रोड है, थाना रोड से ये बिल्कुल अंदर में ये मार्केट है। और ऐसे ही कुछ कुछ दुकानों में जाकर मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सर पर है। कहते हैं वतन में आता है जब भी चुनाव का त्यौहार, तो चोर उचक्के भी खादी खरीद लेते हैं। तुम इनसे दूर ही रहना कि ये तो संसद में उसूल बेच के कुर्सी खरीद लेते हैं। बिल्कुल हम लोगों का छठे चरण में ये चुनाव होना है सीवान लोकसभा का, जो कि 12 मई को होना है। पहले हमारे भाई से बात करेंगे कि ये यहाँ इनकी दुकान है, इनसे बात करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना चाहते हैं, क्या 2014 में जिन्होंने जिस चेहरे को चुना था उसे वंस अगेन जो लहर थी मोदी लहर भाजपा से वो फिर देखना चाहते हैं, या फिर प्रधानमंत्री के चेहरे में बदलाव करना चाहते हैं। भाईजान, प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। पिछले बरस जो सरकार बनी 2014 में, भाजपा सरकार, मोदी लहर चल रही थी, उसने कितना विकास की बात की, विकास किया? जिस मुद्दे पे 2014 में वोट दिया था मोदी को, जी, उस मुद्दे पे उन्हें फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया खाता में आएगा, ये सब इस तरह का रोजगार नहीं दिए, देतु बनाने काम किया है जी। इस बार जनता को समझाएगी, सबक सिखाएगी जी। जल्द इस बार यही समय है जनता को जवाब देने का। आपसे भी कुछ बात कर लें, पिछले बरस जो सरकार ने वादे किए, क्या आपकी नज़र में उसे पूरा किया? नहीं किया। इस बार आप किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? राहुल गांधी। अच्छा, दुकानदारी में आप लोगों को कहाँ तक फायदा, कुछ नुकसान, क्या कुछ ऐसा हुआ दुकानदारी क्षेत्र में? चलिए, जैसा कि आपने देखा ये सारे लोग धंधा करने वाले हैं, और ये कपड़ा, ये शॉप है, दुकान है, इनको नुकसान हुआ है इस सरकार से, तो मोदी सरकार से खुश नहीं है। राहुल गांधी का चेहरा ये गठबंधन के रूप में नहीं देखना चाहते, ये राहुल गांधी का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भाईजान, अपना काम जिससे लेना है, यानी अपना सांसद, सीवान से बात की जाए तो माले से अमरनाथ यादव, उसके अलावा अभिषेक कुमार, और हमारे फिर से वंस अगेन हैना शाह को टिकट मिला है, और उनके सामने अजय सिंह की पत्नी जो कि एनडीए से इस बार भाजपा की सीट यहां से रिप्लेस हुई है, और कह सकते हैं कविता सिंह को टिकट मिला है। तो अपना सांसद आप किसे बनाना चाहते हैं? हैना शाह को। क्या क्या उम्मीद करेंगे, किस भारत के निर्माण की उम्मीद करेंगे हैना शाह को बनाने के बाद, क्या उनसे उम्मीद रखेंगे? हैना शाह को बनाने का मकसद ये है कि विकास चाहिए जी, विकास। उन्होंने उनका शहर डॉक्टर मोहम्मद शाह जी साहब ने विकास किया था, विकास किया, आज भी उनके पूरा क्षेत्र में विकास हुआ है जी। ऐसे विकास वही लोग कर सकते हैं। पिछले संसद की बात की जाए, यानी ओम प्रकाश यादव जी ने कितना विकास की बात की, विकास किया कुछ नहीं, विकास नहीं किया, कुछ विकास नहीं किया। जैसे देखिए आपने बात किया, आइए मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ, आगे भी लोगों से बात करूँगा कि इस मार्केट में कहाँ तक लोगों ने मोदी सरकार के विकास की बात की है। आइए इधर भी बढ़ते हैं, हमारे चचा हैं, इनसे बात करते हैं। चचा, ये बिल्कुल चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, सर पे आ गया है, और 12 मई को हम लोगों का चुनाव है, किसका चेहरा देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी सरकार ने कुछ काम किया पिछले बरस बनी मोदी सरकार, और काम किया है, फिर से उनको बनाना चाहेंगे? चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे भी हमारे कुछ हैं, चचा जी से बात करते हैं। चचा, बात करेंगे कुछ यहाँ हमारे, देखिए अभी अपने वहाँ हमने बात की, यहाँ 5 दुकान पे हम लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बिल्कुल 12 मई को छठे चरण में ये हमारे सीवान का चुनाव होना है। भाईजान, प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना चाहते हैं इस बरस 2019 लोकसभा चुनाव में? मोदी जी को। मोदी जी को जी। मोदी जी ने 2014 में ये इनकी सरकार बनी, जो भी किया, क्या काम किया इन्होंने, जो भी किया है देश के हित में किए हैं। अच्छा, जैसे इन्होंने काम किया कि 2 करोड़ नौजवानों को विकास रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया हर खाते में आएंगे, लेकिन क्या लगता है आपके खाते में आ गया है? सर, इगल स्ट्राइक कर दिए, 15 लाख मिल गया। वो तो खैर, अरे क्या बात कर रहे हैं, फिर भी 2 करोड़ नौजवान हमारे यहाँ मौजूद है जो की बेरोजगार है, उनको रोजगार की बात की थी मोदी जी ने। 70 सालों में आप लोग ने देखा कांग्रेस को, 70 साल में नहीं दिए तो 5 साल में आप लोग जो नहीं, भाईजान देखिए जो पिछला हो गया उसको आएंगे तो उसके बाद देंगे, जो पिछला गुजर गया है वो उस टाइम पूछा गया सवाल, लेकिन आज का जो सवाल है वो आज की सरकार से पूछा जाएगा। 2 करोड़ रोजगार नौजवानों के हित में बात किया उन्होंने, नहीं दिया। नई सरकार जो आएगी मिलेगी जी, सरकार आएगी तो मतलब उन्होंने वोट मांगा 5 साल के लिए, 5 साल में मैं हर काम करूंगा, सब उन्होंने वादे किए, लेकिन 5 साल तो पूरा हो गया, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, 15 लाख रुपए खाते में नहीं आए, ऐसे नहीं होता है जी।
क्या जो उनको जो समझ में आया किए तो करना चाहिए, जो उनको समझ में आया अच्छा किए देश हित के लिए किए। चलिए तो इस बार भी उनका ही चेहरा देखना चाहते हैं। चलिए ये तो प्रधानमंत्री के रूप में सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी पसंद है, बिल्कुल ये राइट टू वोट है, हर आदमी जिसे चाहे दे सकता है वोट, कोई किसी को बदल नहीं सकता। ये प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने बात की। अच्छा, जिसे हमें अपना काम लेना यानी अपना सांसद, एक तरफ इस बार ओम प्रकाश यादव का टिकट यहाँ से रिप्लेस हो गया है, कह सकते हैं कविता सिंह को जो कि अजय सिंह की पत्नी है उनके सामने हिना शहाब है, तो ये दो महिला के बीच में आप किसे अपना सांसद चुनना चाहते हैं? कविता को देखना चाहते हैं, कविता सिंह, कविता को इसलिए देखना चाहते हैं कि एक सीट यहाँ से जाएगा। अच्छा, भाजपा के रूप में? जी जी, एनडीए जी। चलिए देखिए, अपनी अपनी पसंद है, देखते यही इसी समय अगर हमें कोई और मिल जाता बात करेंगे। चाचा, बात कोई हो जो के इस तरह का जवाब दे इन्हें। आइए और आगे थोड़ा सा बातें हैं लोगों के, आप किसको यहाँ का सांसद देखना चाहते हैं सीवान से? अच्छा, गोपालगंज के हैं। चलिए बहरहाल आइए, जैसा देखा आपने बिल्कुल हर आदमी का वोट देने का अपना अधिकार है, जो जिसे चाहे वोट दे सकता है, बिल्कुल आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। सर से बात करते हैं, आप सर प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा इस बार देखना चाहते हैं 2019 चुनाव इलेक्शन में? सर तो 5 साल बदलना ही चाहिए जी, बदलना चाहिए, यही ख्याल है, बदलना चाहिए। तो अगर आपसे कहूँ मैं कि किसका चेहरा देखना चाहेंगे इस बार, आप कोई अपने जहन में आपके थिंकिंग होगी जिसको आप देखना चाहते हो? कांग्रेस में तो बेहतर है, कांग्रेस का राहुल गांधी कह सकते हैं या प्रियंका गांधी? राहुल गांधी। चलिए ये तो प्रधानमंत्री की बात हुई, अपना सांसद अगर बात की जाए, अपना सांसद एक तरफ हिना शहाब, एक तो उनके सामने कविता सिंह, इसके अलावा अमरनाथ यादव माले से हैं और अभिषेक कुमार जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपना सांसद किसे चुनेंगे? हिना शाह को, मतलब उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? शिवांग जी का हम बाकी है विकास को जी, मतलब डॉक्टर शहाबुद्दीन, मतलब आप चाहते हैं रिटर्न हो? शहाबुद्दीन करके छोड़ दिए जी, अभी तक पड़ा हुआ हिना शाह, कुछ हुआ नहीं। चलिए देखा, बिल्कुल सबका अपना वोट है और सब आदमी बिल्कुल अपना राइट है उन्हें वोट देने का। इनसे बात करते हैं, पिछले बरस जो सरकार बनी 2014 में, उन्होंने सिर्फ विकास की बातें की या सिर्फ विकास किया? विकास तो जहाँ तक सिवान की जनता की, सिवान की जनता को चाहिए। जब तक ओम प्रकाश 10 साल थे जी, क्या विकास करा है ये आपके सामने जी? विकास के बाद तो थोड़ी है, अपने वार्ड में कभी चेहरा तक नहीं दिखाए नहीं ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश रहा सवाल अब की, जो अभी हिना साहब और ये रीता सिन्हा, कविता सिन्हा जो भी हैं, इन लोगों में जब वो 10 साल रहकर कुछ विकास नहीं किए तो ये जीत कर क्या करें जी? और रहा सवाल हिना साहब का, सिवान में जो भी विकास हुआ है ये 10 बरस से बच्चा लेकर से पूछेगा तो सिर्फ मोहम्मद साहब दिल्ली का विकास हो रहा है और विकास का कोई नजरिया नहीं आएगा, चाहे अब तक जो भी एमपी था आइए इसके पहले होगा भी, अगर हिना साहब के अलावा कोई और होगा तो सिवान में विकास नजर नहीं। तो मतलब अगर मान लीजिए हिना शाह को अगर आप चुन लें, वो बन भी जाए, फिर उनसे आप क्या उम्मीद रखिएगा? जो उम्मीद एमपी साहब से रखे थे भाई, देखिए विकास के मामले जी, विकास के मामले में जो एमपी साहब ने विकास कराया है वो हिना साहब बिल्कुल कराया। चलिए बिल्कुल हिना शाह, देखिए बिल्कुल अपना सबका अधिकार है, हिना शाह को इन्होंने कहा कि एक बार फिर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का दौर चाहिए, क्योंकि सिवान का विकास अगर सही मायने में किया किसी ने तो वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन है। आप देख भी सकते हैं बहुत सारे कॉलेजेस हों या फिर और भी जितने विकास की सिवान की बातें हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन से जुड़ी हुई हैं। और लोग बात करते हैं जी, जहाँ तक कि देश की सरकार जी, जी देश की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं? उसमें चेहरा उस नेता को देखना चाहते हैं जैसे आज से 15-20 साल पहले हम हिंदू हो या मुसलमान हो जो एक साथ रहो, वो ऐसा नेता हो जो इसको एक साथ लेकर चले, ऐसा नहीं। इसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे लेते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो कि राजनीति से राजनीतिक दल को जोड़ते हैं, यानी सोशल डिवीजन से अफेक्ट करते हैं पॉलिटिक्स को, क्या मैं हिंदू हूँ आप हिंदू आप मुझे वोट दें, इस तरह की राजनीति को आप क्या कहेंगे? इसलिए राजनीति को हम यही कहेंगे कि हमारे देश के जो भी जनता है जी इस राजनीति पर वो ना जाए, ना जाए बिल्कुल, देश का विकास चाहिए तो सब एक साथ रहे हिंदू मुस्लिम, तभी विकास हो सकता है जी, नहीं तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, चाहे नेता जिस पार्टी का। बिल्कुल एकदम सही बात है कि हर हिंदुस्तान में बिल्कुल हर कास्ट के लोग एक रहें और वो कास्ट देखकर वोट ना दें, वो ये देखें कि सामने नेता जिस भी कास्ट का हो वो काम उसका काम और उसका विकास देख के लोग अपने प्रतिनिधि को
चुने। आइए और भी कुछ लोगों से आपसे बात करते हैं। क्या लगता है लोग ये आजकल नारे लगा रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? जाएंगे एकदम, आपकी नजर में भी मोदी जी जाएंगे। पिछले बरस 2014 में ये बने और इस बार 2019 पांच साल हो गया, कुछ विकास की बातें नजर आई, विकास दिखा कुछ? विकास नहीं है। तो किसे किसका चेहरा आप देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? क्या राहुल गांधी या गठबंधन से कोई सरकार? राहुल गांधी आएंगे, ठीक रहेगा। चलिए, अपना संसद यानी अपना काम हमें जिसे लेना है यानी अपना सीवान का सांसद किसे लेना चाहेंगे? एक तरफ कविता सिंह और एक बार हेना शाह बन सगेन है, यानी हेना शाह। चलिए देखा, बिल्कुल सब लोग अपनी अपनी पसंद, अपना जवान बुजुर्ग और सारे लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। एक महिला भी हमें दिखी है, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। कुछ बात करेंगी मैम? नहीं करेंगी, चलिए कोई बात नहीं। चलिए बहरहाल इस तरह की बातें और भी रेगुलर मैं हमारा ये न्यूज़ इंडिया तक का चैनल आपको दिखा रहा है, रेगुलर हम बने हुए हैं। इलेक्शन से लेकर हर बात आप तक पहुँचाई जा रही है, कोने कोने में जनता का क्या रिएक्शन है अपने प्रतिनिधि को लेकर रेगुलर हमारा चैनल दिखा रहा है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक, सीवान से या सुब्रिजवी न्यूज़ इंडिया तक।